वेलकम टू नॉलेज इज पावर। यहाँ पर हम इसराइल और ईरान के बीच के कन्फ्लिक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जो मिडल ईस्ट का एक सबसे क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल राइवलरी है। इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे हिस्टोरिकल, आइडियोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं, जो पिछले कुछ दशकों में बढ़े हैं। आइए जानते हैं इसराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट का पूरा इतिहास। अर्ली रिलेशंस प्री 1979। 1979 के पहले इसराइल और ईरान के बीच रिलेटिवली फ्रेंडली रिलेशंस थे। ईरान उस समय शाह मोहम्मद रजा पहलवी के रूल में था, जो एक प्रो वेस्टर्न लीडर थे। इसराइल और ईरान ने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज मेंटेन किए हुए थे, जबकि ईरान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री था। दोनों कंट्रीज अरब नेशनलिज्म को काउंटर करने के कॉमन इंटरेस्ट में एलाइज थे। 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन। 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद सब कुछ बदल गया। आयातोला खुमेनी की लीडरशिप में एक इस्लामिक रिपब्लिक बना और ईरान ने एंटी इसराइल स्टैंस ले लिया। ईरानियन गवर्नमेंट ने इसराइल को ज़ायनिस्ट रेजिम कहना शुरू कर दिया और खुद को पैलेस्टीनियन कॉज का डिफेंडर बताया। इसके बाद से ईरान ने पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस मूवमेंट्स जैसे हमास और इस्लामिक जिहाद को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इसराइल के अस्तित्व का विरोध किया। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इसराइल को एक इलेजिटिमेट स्टेट मानती है और इसे वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का टूल बताती है। ईरानियन लीडर्स अक्सर इसराइल को खत्म करने की बातें करते हैं। दूसरी तरफ इसराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट मानता है, खासकर इसलिए क्योंकि ईरान एंटी इसराइल मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है और उसकी न्यूक्लियर एम्बिशंस भी हैं। ईरान की हिजबुल्लाह मिलिशिया को सपोर्ट करना इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में एक मेजर फैक्टर है। हिजबुल्लाह एक शियाइट मिलिटेंट ग्रुप है जो लेबनान में बेस्ड है। ईरान ने हिजबुल्लाह को फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट दिया है और यह ग्रुप इसराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पर एक बड़ा खतरा बन चुका है। हिजबुल्लाह ने इसराइल के साथ कई कॉन्फ्लिक्ट्स में हिस्सा लिया है, जिनमें 2006 लेबनान वॉर प्रमुख है। रीसेंट डेकेड्स में इसराइल और ईरान के बीच सबसे बड़ा इश्यू ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इसराइल मानता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करना चाहता है, जो उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इसके रिस्पांस में इसराइल ने कई कोवर्ट ऑपरेशंस किए, जैसे कि ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स की असैसिनेशन, स्टक्सनेट साइबर अटैक और इंटेलिजेंस गैदरिंग। 2015 ईरान न्यूक्लियर डील, जिसे JCPOA कहा जाता है, को कई ग्लोबल पावर्स ने सपोर्ट किया। लेकिन इसराइल इस डील का बड़ा क्रिटिक था, क्योंकि उसे लगता था कि यह डील ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से नहीं रोक पाएगा। इसराइल ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 2018 में डील से विड्रॉल का समर्थन किया। इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से आगे बढ़कर प्रॉक्सी वॉर्स के जरिए भी लड़ा जा रहा है। सीरिया में ईरान असद रजीम को सपोर्ट कर रहा है और इसराइल ने वहां ईरानियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और हिजबुल्लाह को भेजे जाने वाले वेपन्स कॉन्वॉयज पर कई एयर स्ट्राइक्स किए हैं। इराक और यमन में भी ईरानियन बैक्ड मिलिशियाज ने रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में हिस्सा लिया है, जिससे इसराइल और ईरान के बीच टेंशंस और बढ़ गई हैं। द अब्राहम अकॉर्ड्स एंड रीजनल डायनामिक्स। 2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत इसराइल और कई अरब कंट्रीज जैसे UAE, बहरीन, मोरक्को और सूडान के बीच रिलेशंस नॉर्मलाइज हुए। ईरान ने इन अकॉर्ड्स की कड़ी निंदा की और इसे मिडिल ईस्ट में उसके इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश माना। अब्राहम अकॉर्ड्स ने इसराइल की रीजनल पोजीशन को स्ट्रेंथन किया और ईरान के लिए आइसोलेशन का खतरा बढ़ाया। एस्केलेटिंग हॉस्टिलिटीज एंड कोवर्ट ऑपरेशंस। इसराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट कोवर्ट ऑपरेशंस, साइबर वॉरफेयर और ओकेजनल मिलिटरी स्ट्राइक्स के जरिए एस्केलेट हो रहा है। 2020 में US द्वारा ईरानियन जनरल कासिम सुलेमानी की असैसिनेशन इसराइल के टैसिट अप्रूवल के साथ और ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की हत्या के पीछे इसराइल को जिम्मेदार माना जाता है, जिससे टेंशंस और बढ़े। दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर साइबर अटैक्स भी कर चुके हैं, जिनमें सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिटरी एसेट्स को निशाना बनाया गया है। करंट सिचुएशन। 2024 तक इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट अनरिजॉल्वड है। ईरान लगातार हिजबुल्लाह और एंटी इसराइल ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है, जबकि इसराइल किसी भी हालत में ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने से रोकना चाहता है। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जारी हैं, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई स्थायी सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। इसराइल लगातार मिलिट्री एक्शन की धमकी देता रहता है कि अगर जरूरी हुआ तो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया जा सकता है।
रीसेंट ईरान मिसाइल अटैक के ये क्या रिफ्लेक्शन होगा कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, यह था इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट का पूरा इतिहास और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। रिमेंबर, नॉलेज इज पावर।